मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सोमवार रात दर्दनाक हादसा हुआ। ग्वालियर के नजदीक सिंथौली रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन से उतरे यात्री पटरी पर बैठे थे और उसी दौरान तेजी से आ रही गोवा एक्सप्रेस की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। सोमवार की रात आगरा से झांसी जा रही पैसेंजर करीब 9 बजे सिंथौली स्टेशन पर पहुंची थी। एक्सप्रेस गाड़ियों को निकालने के लिए पैसेंजर को लूप लाइन में खड़ा किया गया था। पैसेंजर कुछ यात्री ट्रेन से उतरकर पटरी पर बैठ गए थे और इसी दौरान उसी पटरी पर ग्वालियर से भोपाल की तरफ जा रही गोवा एक्सप्रेस धड़धड़ाती आ गई। पटरी पर बैठे यात्री गोवा एक्सप्रेस को आता देख उठकर पैसेंजर ट्रेन में चढ़ने के लिए भागे, लेकिन इसी दौरान तेजी से आ रही गोवा एक्सप्रेस की चपेट में 3 लोग आ गए। एक झटके से गोवा एक्सप्रेस तीनों यात्रियों को रौंदते हुए निकल गई। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में एक उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव का रहने वाला है, तो दूसरे मृतकों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, मुझे एक बात बताइए कि जिस वक्त ये पटरी पर बैठे हुए थे सभी के सभी यात्री, इनको क्या रोका नहीं गया था, हटाया नहीं गया था, कैसे यह हादसा हो गया? श्रोता में बता दूं कि कल ये रात लगभग 9 बजे की घटना है। ग्वालियर से निकलने के बाद ये पैसेंजर का पटरी पड़ता है झांसी की ओर जाकर, वो स्टेशन छोटा है, पैसेंजर को रोककर गोवा को पास किया जा रहा था। उसी दौरान जो यात्री हैं वो उतर कर नीचे घूमने लगे हुए, कुछ लोग पटरियों पर खड़े हुए थे, उस दौरान ये हादसा सामने आया है। हालांकि कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन की और जीआरपी का स्टाफ की लापरवाही जरूर है, लेकिन जब उनसे बात की गई तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि वो स्टेशन काफी छोटा है, वहां पर एक दो जवानों की तैनाती है, हो सकता है उस दौरान उन्होंने जवानों ने उनको नहीं रोका हो, जिसके चलते ये पूरा हादसा सामने आया है। जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद।